कुछ स्टूडेंट पूछ रहे सी सर फीस का बड़ा फर्क है गवर्नमेंट कॉलेज दे विच विद इन गवर्नमेंट कॉलेज जिवें मलेरकोटला 54,000 के करीब है और स्टेट कॉलेज ते जलंधर दे कॉलेज 37-38,000 के करीब है ना फरीदकोट ते दूसरे कॉलेजों च फर्क है चंडीगढ़ का कॉलेज विच शामिल नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी का सो फीस डिफरेंस है वो पीटीए वगैरह के खर्चे कुछ पाए होंगे हैं मलेरकोटला कॉलेज बाद विच खुला है ये वीडियो च गल्लां मैं दस आया हाँ लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के फायदे बहुत हैं जेडे तुहानू नुकसान लगते हैं वो फायदे हो सकते हैं मैं दसना चाहना हाँ इहदे विच एक कॉलेज रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बठिंडा बठिंडा चलो इतने छोटा करके लिख देना उसकी गल भी बार बार बच्चे को पूछ रहे हैं कि उसकी फीस इन्नी ज़्यादा क्यों है वो रीजनल कॉलेज वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज सॉरी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और जो ये पॉइंट आएगा तो टॉप के टीचर भी उत्थे तो मिलने ने टॉप की लर्निंग भी मिलनी है ना फीस बेशक होएगी सब्जेक्ट और माल प्रैक्टिसिज उत्थे मिलनगियां नहीं उत्थे प्रैक्टिसिज मिलनगियां उत्थे पॉजिटिविटी मिलनी है सो गवर्नमेंट कॉलेज विच लर्निंग ते जोर हो सकता है मैं ये नहीं कहना प्राइवेट च बिल्कुल नहीं होएगा टॉप दे प्राइवेट च भी होएगा एडेड च भी होएगा लेकिन लार्ज नंबर है 180 जे कॉलेज प्राइवेट ने तो लार्ज नंबर ऑफ ते मार्क्स ते जोर होएगा ए ए 180 दे विच्चों 160 कॉलेज जेडे ने लगभग मैं मन के चल रहा 160 कॉलेज मार्क्स ते जोर देंगे और मार्क्स दे विच इंटरनल असैसमेंट का तुहानू बहुत ज़्यादा AESS बनाया जाएगा कि तुहाडी बहुत असैसमेंट लगा दी जाएगी बहुत लगा दी और तुसी बड़े लालची हो जाओगे तुहानू ये पता ही नहीं है मैनू भी हुण पता लगा BEd दे मार्क्स कितें काउंट ही नहीं हुंदे जरूरत ही नहीं है और बड़ी महंगी महंगी फीस लै दे के BEd करन दी जरूरत नहीं है ज़्यादा जरूरत है अपना सिलैक्शन टैसट की TET की कॉम्पीटिशन की तैयारी करन दी जरूरत है इसते मैं डिटेल डाटा दे के तुहानू सब कुछ दे भी देवांगा अच्छा इंटरनल असैसमेंट इदां दा केस है एक मेरे को केस इदां दा आया है एक केस DMC किसी बच्चे ने भेजा सर तुहाडे कॉलेज असैसमेंट घट लगी है असैसमेंट बहुत ज़्यादा लगी है बहुत ज़्यादा पता कितनी है इंटरनल असैसमेंट चंगा है तुम दिल्ली दिस रही है क्योंकि ना पता लगना चाहिए है किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज की है फिलोसॉफिकल परस्पेक्टिव ओके ए टोटल 30 चो लगनी सी 30 marks 30 चो 30 100% लगा दी गई है सुपरमैन बच्चे बना दिते गए हैं और ये 30 चो 30 100% इंटरनल असैसमेंट ये फिर 30 तो 30 100% ये 15 दे विचों 15 हाफ क्वेश्चन होंगे ने कई एज पैडागोजी ऑफ पंजाबी है SST है ये भी 100% लगा दी गई है शक्तिमान सुपरमैन ये भी 100% 15 चो 15 लगा दी गई है अगे भी 100% लगा दी गई है हैरान हो गए सारे पेपर के 100% इंटरनल असैसमेंट तुसी गैस करो कि ये प्राइवेट होएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज होएगा नेचुरली वेरी क्लीयर कि ये प्राइवेट कॉलेज है हाँ सो ये आ जाओगे कि उस कॉलेज ने ज़्यादा लाई है एक दा कोई फायदा नहीं है राजे कोई भी फायदा नहीं है मैं किसी दिन अपनी असैसमेंट अपने मार्क्स अपने सारे अकैडमिक रिकॉर्ड रखांगा और तुसी हैरान हो जाओगे कि बंदा इन्ना नलायक है ये इन्ने घट मार्क्स ने तो बाकी तुहानू यू नो है ना सो मार्क्स का जिंदगी च है ही नहीं फायदा सिर्फ एंट्री वेले फायदा है और एंट्री लिए की है 55% जे तुहाडे BEd जो मार्क्स है वो लगभग सब दे 60-70% आराम ना आ जाते हैं सो लर्निंग इज इंपॉर्टेंट मास्टरी इज इंपॉर्टेंट वो गवर्नमेंट एड ते अच्छे कुछ एक प्राइवेट स्कूलों च कॉलेजों विच तुहानू मिलेगी टीचर है ना टीचर गवर्नमेंट विद दे अच्छे टीचर होंगे रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बठिंडा दी बार बार सारे डॉक्टरेट ने और डॉक्टरेट असली वाले डॉक्टर और लाइफ का एक्सपीरियंस लैके बैठे हुए ने तो जिंदगी सिखा सकते ने गवर्नमेंट कॉलेज के सारे टीचर किस तरह सिलेक्ट होंगे ने चुन के सिलेक्ट होंगे जो मर्जी है कॉम्पीटिशन के विच लड़के जो टॉप पर है नैचुरली उ निकलते हैं और ये स्टेबल स्टाफ होंगे सब तो वड्डी गल स्टेबल स्टाफ होंगे है प्राइवेट कॉलेजों में स्टाफ तो 6 महीने 1 साल 2 साल पता नहीं किसका कितने हाल होंगे है ना अच्छे वाले मैं जी वी कॉलेज बचते हैं जहाँ 10% 5% कॉलेज उन्होंने इन्हें कंपेयर करता हाँ एडिड नू भी नाल रख रहा हाँ ये सारे गुण एडिड विच भी हैं क्योंकि सिर्फ यह है कि 75% ग्रांट मिलती है इन्हों के अच्छे कॉलेज टीचर होंगे है ना रामगढ़िया कॉलेज ऑफ एजुकेशन है मैं जिम्मे खालसा कॉलेज अमृतसर है खालसा कॉलेज इतने GHG खालसा कॉलेज गुरु सरसदार है MGN कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर है ये टीचर अच्छे
चुने हुए होंगे ने, है ना। मेरे ख्याल सब तो वड्डी गल है गवर्नमेंट ते एडेड विच टीचर होंगे हैं प्राइवेट विच इन्ने कॉलेजों में टीचर मिलेंगे, बाकियों में टीचरों के नाम मिलेंगे। बेटा नाम जरूरी है, टीचर तो तुसी की लेना है, टीचर की दे देगा, नाम है ना, बस नाम पता होना चाहिए कि इसका टीचर का नाम होंदा है, सब्जेक्ट पढ़ाता है, नाले तुसी भी किन्ना जाना है, जिन्ना नहीं जाना तुसी भी किन्नी कंट्रीब्यूट कर रहे हो तुहानू भी पता है ना। सो टीचर इज़ इंपॉर्टेंट। 15 5 सितंबर आना है, इन्नी जय जयकार टीचर की करनी है, हालत कॉलेजों में की हुई है और स्कूलों में की हुई है, यूनिवर्सिटियां हालत की हुई है, वो देख लेना चाहिए है। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। ओके, फीस की गल हो चुकी है, ज़्यादा जिते ज़्यादा बहुत ज़्यादा फीस है, मैं ये कह रहा लर्निंग पर जोर दे लो, टैट पर सिलैक्शन टैस पर जोर दे लो, और ज़्यादा फीस पर जोर देने की जरूरत नहीं है। सब्जैक्ट की प्रॉब्लम गवर्नमेंट कॉलेजों में आएगी क्योंकि सारे सब्जैक्ट नहीं मिलते, साइंस मैथ है इस तरह है ना, वो नहीं मिलते, उन्होंने को स्टाफ वो सिंसीयर होंगे है, इसलिए प्राइवेट कॉलेजों में स्टाफ शो करके नाम पा के तुम मिल जाते हैं जोड़े है आराम नाल, दैट इज़ वाई है ना। तो युगान युगांतरा तो चलिया आ रहा है, जदों की प्राइवेटाइजेशन है 2001 2 3 4 5 की, इन्ने साल हो गए हैं, 20 साल के करीब चलिया आ रहा है, है ना। माल प्रैक्टिसिज विच फैसिलिटेशन, इतने मैं लिखा है फैसिलिटेशन के फाइलों, वो कहे कि ये वाले कहे फाइलों भी बन जूगिया जी, थोड़ा ये भी हो जाएगा, तो आ भी नहीं करना पेगा, सानू लगता है अच्छा काम है। एक पास असं लर्निंग की गल कर रहे हैं, दूसरे पास ये कर रहे हैं, दूसरे पास जान देन की गल कर रहे हैं, हक हलाल की कमाई की गल कर रहे हैं, मैनू तो समझ नहीं आती असं दोगलापन क्यों लैके बैठे हो। जो भी करोगे वह भरना पैना है, 100% भरना पैना है, और ये बचना किसी ने नहीं है। सो अच्छे मॉरल पॉजिटिव बन के जो भी कर्म करना है, क्योंकि भुगतान देना बड़ा औखा है यार, जो ये वापस देना पैंता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो माल प्रैक्टिसिज विच ना फसो, सिंसीयर बनने की कोशिश करो, टीचर्स दे डोमीनेट करो, रब दा वास्ता है, टीचर दी रिस्पैक्ट करो, टीचर नू ए ना समझो कि तुसी डैश सीट ले ली है तो मैं सब कुछ है, इन्होंने सानू असाइनमेंट सानू कॉपियां टाइम सिर पहुँचाए, इदा नहीं है, वह सप्लायर नहीं है, वह क्लर्क नहीं है, उसकी रिस्पैक्ट करो, वह प्राइवेट है गवर्नमेंट है एडिड है नहीं फर्क पैंदा यार, टीचर है प्लीज़। और टीचर ने देना है, पक्की गल है, वह एक आइडिया थोड़ी लाइफ परिवर्तन लिया सकता है। सो माल प्रैक्टिसिज इन कॉलेजों नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी, एडिड विच मतलब घट मिलेगी, जो इनू बराबर ये रखा जा सकता है। प्राइवेट विच 20 25 30 कॉलेज होंगे जिन्हें नहीं मिलेगी, बाकियों आराम ना मिलेगी। पर याद रखना, एक अच्छा टीचर माल प्रैक्टिस का कारण नहीं बनना चाहता, मजबूरियाँ रोटी तो वो जरा सिचुएशन च फसया होया है वो उसनू करन लई मजबूर कर दिंदा है, तुसी उस मजबूरी का फायदा ना उठाओ। बंदा तो वह है जिसनू चोरी करन दा मौका मिलिया सी, बहुत अच्छा मौका मिलिया सी, चोरी नहीं कीती, बंदा वह अच्छा नहीं है, अजे कहा नहीं जा सकता जिसने कदे चोरी नहीं कीती। सो जो मौका मिले तो उदों असी उस तरह के हो जाइए, तो इदा ना करो, अपने आप को साफ रख के बी एड करो। पीजी काउंसलिंग के बाद बड़ा अच्छा एक मैं शब्द दसांगा तुहानू जिहड़ा जिंदगी लिए भी बड़ा जरूरी होया, चलो ACC इन्ना हिंट दे दिता है ना, लास्ट ते करना उही पैना है, वो करना ही पैना है। थैंक यू। होर सुजैशन ने कि तुसी इंटरनल असैसमेंट मार्क्स करके एक एक मार्क्स करके रोंदे फिरना है, कंपैरिजन ना करियो, ये ना कि एक एक कंपैरिजन ना अपने टीचर नू अपने कॉलेज नू छोटा ना पा दियो, कोई भी कॉलेज होवे उसनू छोटा ना पा दियो, तुहानू डिग्री दे रहे ने उस मंदिर वर्गे ने जिथों सानू कुछ मिलता है, जिथे अरदास करदे हो जाके, सो उहदी रिस्पैक्ट करियो। इंटरनल असैसमेंट जा जिहड़े यूनिवर्सिटी के भी मार्क्स होने उहनू एडा वड्डा परमात्मा वांग ना बना लियो, उहदे विच कुछ भी अजिहा नहीं, वो खोखलापन है, इंडिया का खोखलापन है। जो तुम कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ना है, जो CTET के टीचिंग पोटेंशियल टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के जवाब देने हैं, तो बेस्ट आंसर कि लभना है, सब तो पहला रिजैक्ट कि करना है मार्क्स वाला, तो इतने भजे असी सारे मार्क्स पिछे फिरते हाँ, लर्निंग उत्थे बेस्ट आंसर होगा, इतने लर्निंग तो असी भज रहे हाँ। जिस भी टीचर तो इंस्टीट्यूट तो कुछ भी छोटा मिलता है, उसका थैंक यू जरूर करना है। थैंक यू।